Hello everyone, welcome to my channel. Hope you are all doing good. This is Manisha and you are watching my channel Manisha.art. आज के इस वीडियो में रिसेंटली एक मैंने ग्रीन एप्पल और पियर का मैंने डाला था वीडियो. उसमें आया था कि मैंगो का भी करिए, तो मैंने अभी तो कच्चा मैंगो का किया हुआ है. समथिंग लाइक आप जैसे भी जैसे आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे थंबनेल पे दो टाइप का मैंने किया है, एक ऑयल पेस्टल से एक पेंसिल कलर से. तो आप किसी से भी कर सकते हो क्योंकि स्टूडेंट्स के पास ये दोनों कलर्स अवेलेबल है. और जहाँ पे हाईलाइट छोड़ा है प्लीज़ उसमें हाईलाइट छोड़ें, वाइट छोड़ें, ना कि वाइट कलर से. आपको वाइट नहीं करना, आपको वाइट वहाँ पर छोड़ना है, ठीक है. उसके ऊपर जब आप हाँ ख़त्म कर लो, ब्लेंडिंग कर लो, देन उसके ऊपर आप थोड़ा सा वाइट चला सकते हो. बट मेक श्योर कि आपके पास एक टिश्यू हो, आप क्लियर करो अपने सारे गंदे कलर्स जो एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे के कलर्स ले चुके हैं, उनको थोड़ा टिश्यू से या कोई कॉटन क्लॉथ हो उससे आपको क्लीन करना है. क्लीन करने के बाद ही उसको आप यूज़ करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ दैट लाइट कलर्स जो होते हैं उनको फ़र्क पड़ता है. डार्क कलर्स तो वैसे भी छुप जाते हैं उसके नीचे, मतलब डार्क कलर के नीचे बाकी जो छोटे मोटे कलर्स लगे होते हैं वो छुप जाते हैं, लेकिन लाइट कलर्स में वो दिखता है. जैसे कि येलो, वाइट, लाइट ग्रीन और पिंक, ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान से उनको वाइप करके पोंछ के और अच्छे से करो, तो ताकि आपका ड्राॅइंग भी मेरी तरह बहुत सुंदर बने. एंड प्रैक्टिस करें और अच्छा बनाएं. और अगर कहीं पर शेयर करो कर रहे हो मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो, और आप शेयर करो तो मुझे टैग करना होगा. थैंक यू. सो सबसे पहले हमने एक वाइट शीट ले लेनी है एंड उसमें ट्री ड्रॉ करके फिर हम कलर्स ले लेते हैं. हमें ये चार कलर्स बेसिकली ज़रूरत पड़ती है. जो एकदम बिगनर्स हैं उनके लिए ये मतलब बेटर है कि विद ऑयल पेस्टल वो दो तीन कलर्स की मिक्सिंग करें कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें. सो फर्स्ट यू कैन स्टार्ट विथ लेमन येलो, देन गो फॉर लाइट ग्रीन, देन डार्क ग्रीन, आफ्टर दैट लिटिल बिट ऑफ डार्क ब्लू. डार्क ब्लू में इट विल बी बेटर इफ यू टेक पर्शियन ब्लू. थोड़ा सा एजेस में आप उसको शेप दे सकते हो एंड ब्लेंडिंग में उसके अंदर हो, मतलब हो तो बेटर है. देन उसके बाद ट्रंक के लिए येलो ऑर्च ले सकते हो, बफ कलर या कोई भी लाइट ब्राउन कलर जो होता है हमारा मिट्टी वाला मस्टर्ड कलर होता है, उनमें से कोई भी शेड आप ले सकते हो. देन उसके बाद हम ब्राउन लेंगे, नॉर्मल ब्राउन, देन डार्क ब्राउन यूज़ कर सकते हो. आपके पास अगर बहुत सारी शेड्स हैं, 50 शेड्स वाला हो तो बेटर है, उसमें आपको बहुत सारी शेड्स मिल जाती हैं और अच्छा भी लगता है. जो लोग एक्चुअली उनको पसंद है ड्राइंग, पेंटिंग एंड कलरिंग, मुझे तो मैं बोलूँगी कि यू शुड टेक दैट कलर 50 शेड्स वाला. अगर नहीं है 12 शेड्स 24 वाली है तो भी चलेगा, इट्स ओके. तो डार्क ब्राउन करने के बाद हम ब्लैक से एट द एंड थोड़ा सा उसकी जो पैटर्न्स होते हैं ट्री ट्रंक की वो कर लेंगे एंड उसको कंप्लीट करेंगे. एंड फॉर द ग्राउंड लिटिल बिट ऑफ वही मस्टर्ड कलर जो हमारा येलो ऑर्च है या आपकी ब्राउन कलर जो भी लाइट ब्राउन कलर जो है उसको थोड़ा ब्लेंड, मतलब थोड़ा सा आपको ब्लेंड जैसा ही करना है. मस्टर्ड कलर से ब्लेंड करने के बाद आप उस पर थोड़ा सा ग्रीन की भी शेड डाल सकते हो. उसको करके आप नो टिप ऑफ योर फिंगर यू कैन ब्लेंड एंड मेक सम ग्रासेस बिहाइंड द ट्री, और आगे भी आप कर सकते हो वट एवर वेन एवर वेर एवर यू लाइक एक्चुअली. सो इतना करने के बाद आई थिंक फॉर प्रैक्टिस दिस मच इज़ अनफ. यू कैन डू मोर प्रैक्टिस टू गेट बेटर रिजल्ट. दिस इज इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.